धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विशाल नेहरी ने हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम शांता कुमार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान, सांसद किशन कपूर सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशाल नेहरी ने चुनाव अधिकारी डॉक्टर हरीश गज्जू के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विशाल नेहरिया ने हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम शांता कुमार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान, धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विपिन सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी, सांसद किशन कपूर सहित भाजपा के विधायक व पूर्व विधायकों सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशाल नेहरिया ने चुनाव अधिकारी डॉक्टर हरीश गज्जू के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और दोनों सरकारों ने जनता के हित में बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर और सरकारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हम इन्हीं चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भाजपा दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत दर्ज कर विकास को गति देगी। केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत पे, सरकारों के द्वारा किए हुए कामों को जनता के सामने ला करके और वरिष्ठ नेताओं की कड़ी मेहनत जब होती है तो कोई भी राह आसान हो जाती है। हमारी दोनों गवर्नमेंट्स ने, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। उन कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि हिमाचल में और दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है, पहले भी दोनों हमारे विधायक जनता ने जिताए थे, अगले 5 साल के लिए जिताए थे, सांसद बनने के कारण ये उपचुनाव यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए आने वाला जो कार्यकाल है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही जनता दे ताकि हमारे दोनों जगह के विधायक केंद्र और दिल्ली से जो भी योजनाएं ला सके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उनको लाएंगे और इन विधानसभा क्षेत्रों के विकास को और गति देंगे, क्योंकि दोनों विधानसभा क्षेत्रों का सौभाग्य है कि उनमें सांसद भी हमारे हैं, केंद्र और हिमाचल में सरकारें भी हमारी हैं, विधायक भी हमारा होगा, तो ये चारों कोणों से जब विकास की गति चलेगी तो विधानसभा में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। नामांकन के उपरांत भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इन चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में खासा उत्साह है। विशाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ये लग रहा है कि इस बार धर्मशाला में विधायक की जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भाजपा यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। विशाल नेहरिया ने कहा कि धर्मशाला में विभिन्न मुद्दे हैं जिनको जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हल करने का प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया जाएगा। नेहरिया ने कहा कि कल तक पार्टी के झंडे और बैनर लगाने वाले कार्यकर्ता थे और आज पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थान से प्रत्याशी बना दिया है, यही भाजपा की खासियत है। नेहरिया ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा हाईकमान, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित समस्त भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।